नमोकार महामंत्र की क्लास प्रारंभ हुई थी। कल आपके लिए नमोकार मंत्र की महिमा का वर्णन करते हुए उसके अर्थ का प्रारंभ किया था कि नमोकार मंत्र का अर्थ क्या है और उसमें षटखंडागम ग्रंथ के धवला टीका का आधार लेते हुए अर्थ की विवेचना प्रारंभ की थी। नमोकार महामंत्र के पांचवें पद में जो लोहे और सव ये दो शब्द हैं, उन दोनों को समझते हुए हमने पांचवें पद का अर्थ किया था। लोहे का अर्थ तीनों लोक में और सव का अर्थ तीनों काल में, और ये बात समझते हुए हमने पांचवें पद का अर्थ किया कि तीनों लोक में जितने साधु पूर्व में हो चुके हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में होने वाले हैं, उन अनंतानंद साधुओं को मेरा नमस्कार हो। यह पांचवें पद का अर्थ हमने किया था। फिर हम आगे बढ़ते हुए यहां अटक गए थे कि यदि लोहे और सव पांचवें पद में हैं और पांचवें पद का यह अर्थ बनता है तो ऊपर के चार पदों में लोहे और सव के दर्शन नहीं होते हैं, तो फिर ऊपर के चार पदों का अर्थ क्या किया जाए? बंधुओं, ऊपर के चार पद का अर्थ भी वही होता है जो पांचवें पद का है, और वहां जैन न्याय का आधार लिया गया है। धवलाकार वीर सिंह स्वामी कहते हैं कि लोहे और सव ये दो पद पांचवें पद में दिख रहे हैं, किंतु एक अंत्य दीपक न्याय होता है। कौन सा न्याय? न्याय का नाम है जैसे कानून के संविधान होते हैं और धाराएं होती हैं, धाराओं के तहत दंड घोषित किए जाते हैं, संविधान के क्रमांक होते हैं, धाराओं के नंबर होते हैं, वैसे ही जैन न्याय में भी न्याय पालिका है, न्याय तालिका है, और उनमें अनेक न्यायों के बीच में एक अंत्य दीपक न्याय है। कौन सा न्याय? अंत्य दीपक न्याय। इस अंत्य दीपक न्याय से लोहे और सव इन दो पदों का अर्थ ऊपर के चारों पदों में लग जाया करता है। अंत्य दीपक न्याय को समझे। किसे कहते हैं अंत्य दीपक न्याय? तो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कमरा है और उस कमरे के अंत भाग में एक लाइट लगाया हमने, हैलोजन लगा दिया। क्या लगाया? हैलोजन लगाया। वो हैलोजन है तो बिल्कुल कमरे के अंतिम भाग में, किंतु उसका प्रकाश कहां तक जाता है? उसका प्रकाश मध्य भाग में भी है और प्रारंभ में भी आ जाता है। इसे कहते हैं अंत्य दीपक। दीपक को ऐसी जगह रखा गया है कि जहां से वो है तो एक जगह पे, किंतु उसका प्रकाश जा रहा है सब जगह। बात समझ में? हम लाइट पूरे हॉल में लगा देते हैं क्या? जो बल्ब होते हैं, ट्यूब होते हैं या प्रोग्राम में हैलोजन
कौन सा न्याय लगाया गया? आदि दीपक, वो पहने रखा गया और उसका अर्थ तीनों के साथ जा रहा है, पहुंच रहा है। बात समझ में आई आपको? उसे कहते हैं आदि दीपक न्याय। और यहां जो नमोकार में लोए और सव है, ये कौन सा न्याय है? अंत दीपक न्याय। इसे जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी भाषा में, तो हम उनको कहते हैं कि जैसे आपके मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में, कहीं साइंस या मैथमेटिक्स में ऐसे इक्वेशन सिखाए जाते हैं, कैसे 2a plus 2b plus 2c is equal to, क्या करते हैं 2a plus 2b plus 2c is equal to, क्या करते हैं 2 को कॉमन कर देते हैं और ब्रैकेट में a plus b plus, ऐसे करते हैं ना। बस सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है। नमोकार मंत्र कुछ ऐसा रहा होगा, नमो हो गए ना सबका अर्थ क्लियर?
कल शायद यही हमने बात रोक दी थी कि भाई दोए और सोबत तो पांचवे में है, ऊपर में तो है नहीं, तो शायद कई लोग इस समस्या में उलझ गए होंगे कि यार पहले चार पदों का क्या अर्थ बनेगा, हुआ था ना ऐसा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हम जब नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं तो नमोकार मंत्र का स्मरण करते समय ये प्रश्न तो आना ही चाहिए कि कितने अरिहंत, कितने सिद्ध, कितने आचार्य, कितने उपाध्याय, कितने साधु। तो कितने का अर्थ क्या निकला? अनंत अनंत, अतीत के अनंत अनंत, वर्तमान के अनंत अनंत, गलत, अतीत के अनंत अनंत और वर्तमान के संख्या, तीन संख्याएं बताई थी कल, संख्या असंख्या और तो भूतकाल के अनंत, वर्तमान के संख्या और भविष्य के अनंत, ये तीनों मिल जाते हैं तो अनंत प्लस अनंत क्या बन गया? अनंत अनंत क्या बन गया? तो हम कितने अरिहंतों को नमस्कार कर देते हैं जब हम एक बार कहते हैं नमो अरिहंताणम, हमारा कितने अरिहंतों को नमस्कार जा रहा है, कितने सिद्धों को नमस्कार पहुंच रहा है, कितने आचार्यों के चरण को हमारी भावनाएं स्पर्श कर रही हैं, कितने उपाध्यायों तक हमारी श्रद्धा जा रही है, अनंत अनंत, और कितने साधुओं को हम स्मरण कर रहे हैं, अनंत अनंत साधुओं को स्मरण कर रहे हैं। ध्यान रखें, विचार करें इस बात पर कि जब हम नमोकार कहते हैं तो नमोकार में हम अतीत अनागत और वर्तमान के प्रत्येक साधु को नमस्कार करते हैं, तो हम वर्तमान के जो हमारे सामने उपलब्ध हैं, जो हमारे सामने विराजमान हैं, उन साधुओं को कैसे छोड़ सकते हैं? नमोकार मंत्र से हमारे लिए एक संदेश मिल रहा है, उस संदेश को समझने की कोशिश करिए। जब हम नमो दोए सब साहुणम कह रहे हैं तो ढाई द्वीप में जितने साधु हुए थे, हो रहे हैं और होने वाले हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, तो हम सामने विराजमान साधु की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? जो साक्षात विराजमान हैं, उन साधुओं की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? जरा चिंतन करिए, कहां जा रही है हमारी श्रद्धाएं, कहां जा रही है हमारी विचारधाराएं, क्यों हम पक्षपात कर रहे हैं, क्यों हम भेदभाव कर रहे हैं, क्यों हम किसी एक धारा को लेकर के चल रहे हैं, क्यों हम गुरुओं में पक्षपात कर रहे हैं? जो सच्चा धर्मात्मा होगा, जो नमोकार का भक्त होगा, वो कभी किसी साधु में भेदभाव कर ही नहीं सकता है, अन्यथा वो नमोकार का भक्त हो नहीं सकता है। क्यों हमारे मन में भेद जागते हैं, क्यों हम साधुओं को देख करके कलुषता के भाव निर्माण करते हैं, क्यों किसी साधु के प्रति अनन्य आस्था के भाव लेकर के चलते हैं, और क्यों किसी साधु के प्रति हम द्वेष भाव लेकर के चलते हैं? यदि ये भावना है तो तुम नमोकार के भक्त नहीं हो, तुम सच्चे नमोकार के शिष्य नहीं कहला सकते हो, तुम नमोकार के अनुयायी हो ही नहीं। हम एक जगह नमो लोए सब श्रावणम कह रहे हैं, कितनी उदार भावनाएं हैं, जो साधु हुए ही नहीं है, जो साधु हुए ही नहीं है, जो भविष्य में होने वाले हैं, जो आज नरक निगोद की पर्याय में हैं, उन आत्माओं की उस पर्याय को हम नमस्कार कर रहे हैं। जैसे कि राजा श्रेणी आज नरक में हैं और भविष्य के तीर्थंकर हैं, तो भविष्य के तीर्थंकर के रूप में हम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे ही भविष्य के अनंत अनंत साधुओं को प्रणाम कर रहे हैं, और वर्तमान के साधु के साथ उपेक्षा के भाव, निंदा के भाव, अनादर के भाव, भेदभाव कि ये तो उस परंपरा के हैं, ये तो उस परंपरा के हैं, ये तो उनके शिष्य हैं, हम तो सिर्फ उनके भक्त हैं, जहां सिर्फ आ गया वहां तुम नमोकार से दूर हो गए, तुम नमोकार के भक्त नहीं हो। निर्ग्रंथ मुद्रा को देख करके जो भेद के भाव लाता है, कुल्लु कुल्ला आचार्य ने अष्टपाउल ग्रंथ में लिखा है कि जो अमरान मंदियाणम रूपम कठूण रूप सनियाणम, अमरो उतना ही दूर है जितना निगोदिया की पर्याय में था। मनुष्य बन करके भी वो निगोदिया पर्याय वाला है जो साधुओं को देख करके द्वेष के भाव लाता है। अरे क्यों हम भेदभाव करें, क्यों ये साधु, ये वो साधु, ये उसके शिष्य, ये उसके शिष्य। आपके लिए किसने ये थर्मामीटर दिया, आपके लिए ये किसने हक दिया, ये राइट्स तुम्हारे लिए किसने दिए कि तुम साधुओं में भेदभाव करो, साधु
भक्तों ने पूछा होगा कि महाराज जी क्या पढ़ाएंगे। महाराज ने कहा द्रव्य संग्रह पढ़ाऊंगा।
सभी जनता बहुत ही खुश थी, सबको लगा कि पहली बार ऐसे महाराज जी हमारे यहाँ आ रहे, इसके पहले तो बहुत सारे महाराज जी आ गए। ये वाली क्लास किसी ने नहीं पढ़ाई, ये तो ये महाराज जी पढ़ाएंगे। ये जब बात बताई गई महाराज जी का नगर में आगमन हुआ और नगर का आगमन भी देखने लायक था, पहले किसी मुनि महाराज को इतने जोर शोर से और बैंड बाजे से नहीं लाया। आजकल ये सब बातें देखने को मिलती है, कुछ स्पेशल महाराज चाहिए, कैसे चाहिए, कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए। महाराज तो है ही, किंतु उसमें प्लस एडिशनल कुछ बातें हो तो फिर हम थोड़ा सा ज्यादा करें, है ना। और उसमें भी हमारे मतलब वाली बातें निकालने वाले महाराज हो तो और अच्छा, है ना। तो महाराज नगरी में प्रवेश किए और नगरी में प्रवेश उन्होंने देखा कि आज तक ऐसा भव्य प्रवेश नहीं हुआ, लोगों ने भी कभी किसी महाराज का ऐसा प्रवेश नहीं कराया। बहुत ही बढ़िया प्रवेश हुआ, महाराज जी का आहार, आहार के लिए चौकों की भरमार, और फिर महाराज जी का आहार हुआ, कितने ही चौके लगे, महाराज तो एक ही जगह जाएंगे ना, है ना। आहार हो गया, आहार के बाद क्लास की तारीख जो तय की चुकी थी वो तारीख आई, वो दिन आया और महाराज जी अपने स्थान पर स्थानापन्न हुए, विराजमान हुए। देखा कि नगरी में कितनी भीड़ है, प्रवचन में कितनी भीड़ है, ये हॉल छोटा बन रहा है, इतना बड़ा हॉल, हजार की कैपेसिटी है, पूरा फुल, बाहर लोग खड़े हैं। महाराज ने सोचा कि ऐसा स्वाध्यायी वर्ग मैंने आज तक, मैं इतना स्वाध्याय करने वाला समाज, इतना स्वाध्याय के प्रति उत्सुक, तत्वों को जानने में उत्सुक, द्रव्यों को जानने में उत्सुक, जिनवाणी के प्रति इतना समर्पण, इतना अनुभव है, जिनवर सहेण जेनर इंडिटम, जिनवर श्री ऋषभराज भगवान ने जिसका उपदेश दिया था, ऐसे जीव और अजीव नाम के जो द्रव्य है, और देवी रविंद्र वंदम जो देवों के द्वारा पूजनीय थे, ऐसे ऋषभराज भगवान को नमस्कार करके मैं द्रव्य संग्रह क्लास का प्रारंभ करता हूँ, आपके सामने अपनी बात रखता हूँ। लोगों को लगा कि ये मंगलाचरण है, द्रव्य की बात तो आगे आने वाली है। फिर महाराज ने दूसरी गाथा ली, जीवो अमुद्दिकता सनेह परिमाणो बुद्ध संसारतो सिद्धोसो विश्वसो की विवेचना प्रारंभ की और उन्होंने कहा कि टिक्का
उन्हें लगा कि अभी तक तो द्रव्य संग्रह आ ही नहीं रहा। सबके दिलो दिमाग में बात थी द्रव्य संग्रह। कौन सी बात थी? द्रव्य का संग्रह कैसे करना चाहिए, द्रव्य को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, और द्रव्य का अर्थ एक है धन। कौन सा है? धन का संग्रह कैसे करना चाहिए। शायद महाराज श्री MBA पढ़े लिखे हो, बिजनेस मैनेजमेंट जानते हो, इसलिए वो टिप्स देंगे कि पैसे कैसे कमाना चाहिए। ये बात सबके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। उन्हें लगा द्रव्य संग्रह का मतलब धन संग्रह। कौन सी बात थी? धन संग्रह महाराज श्री पढ़ाएंगे, और धन की तो बात ही नहीं आ रही। चौथी गाथा, पांचवी गाथा, महाराज को लग रहा था कि लोग कितने अच्छे हैं, कितने समझदार हैं, कितने ज्ञानी हैं, एक भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। महाराज जी का गलत फहमी हो रही थी। क्या हो रही थी? कि अपनी जगह से एक भी नहीं हिल रहा है, शायद मेरी बात 100% सबके दिमाग में पहुंच रही है, इसलिए वो भी चुप नहीं हो रहे थे। एक गाथा और, एक गाथा और, तो हिल ही नहीं रहा। और जैसे ही 10वीं गाथा, 11वीं गाथा आई, अब लोगों को लगा यार बड़ा मुश्किल है, पीछे से खिसकते गए। क्या होते हैं यार? पीछे से खिसकते गए और खिसकते गए, गाथा आगे बढ़ रही है, लोग खिसकते जा रहे हैं, लोग खिसकते जा रहे हैं, लोग महाराज आगे बढ़ रहे, लोग पीछे जा रहे हैं, महाराज आगे बढ़ रहे, लोग पीछे जा रहे हैं। गाथा नंबर 21 आई होगी, और आधा और आधा और गाथा। अब महाराज ने सोचा कि जब प्रारंभ किया है तो पूरा ही कर डालू। पूरी गाथा है कितनी है? द्रव्य संग्रह 58। कितनी गाथा है? 58। 30-35 नंबर की गाथा आई तो हाथ आधे से भी आधा, और जैसे ही गाथा और आगे बढ़ती गई तो धीरे धीरे 15-20 लोग बचे, और लास्ट वाली जब गाथा आई तो वहां कोई नहीं था, दो ही लोग कितने थे। महाराज ने सोचा कि ये दो लोग सच्चे निकले, इतने लोग थे, मैंने सोचा कि सबका पेशेंस होगा, कि सबका पेशेंस खत्म हो गया, केवल ये दो बचे, ये दो ही सच्चे हैं, इन्हें तो अपने साथ ही ले जाना चाहिए। महाराज ने कहा भैया सबके सब लोग चले गए, मैंने पूरी 58 गाथाएं कर डाली, तुम दो क्यों बैठे हो यहाँ, तुमको ज्यादा समझ में आ रहा क्या? बोले नहीं नहीं महाराज जी, हमारे लिए ये ड्यूटी दी गई है कि महाराज का प्रवचन खत्म हो तो ये जाजम उठाना है, ये माइक अपनी जगह पे रखना है। बात समझ में आ रही है? हम कितने मतलबी हैं, महाराज के मुख से भी हमें वो सुनना है जो हमारा मतलब है। क्या सुनना है? मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कथा ना सुहाए, के उंगे के लर पड़े, के उठ घर को जाए, के बुंदेलखंडी कहावत है। या बहुत है बुंदेलखंडी, कितने हाथ ऊपर करो तो है ना? क्या कहा है? मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कथा ना सुहाए, के उंगे या तो सो जाएगा प्रवचन में ही, के लर पड़े या तो किसी के साथ लड़ पड़ेगा, झगड़ा कर लेगा, के उठ घर को जाए, नहीं सुहाएगा तो उठेगा और घर चला जाएगा। ये मिथ्या दृष्टियों की बात है, हम सम्यक दृष्टि हैं, सज्जन हैं, जैन हैं, धर्मात्मा हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि हमें जैनिज्म से कभी कतराना नहीं चाहिए, जिनवाणी से कभी कतराना नहीं चाहिए, हमें अपनी भी बात मिलेगी। यदि चार पुरुषार्थ कहे हैं तो उसमें अर्थ और काम पुरुषार्थ तो है ही, जब भी जिनवाणी में विवेचना की जाएगी चार पुरुषार्थ की जाएगी, किंतु सबसे पहले कौन से पुरुषार्थ की? थोड़ा पेशेंस रखो तो अर्थ पुरुषार्थ भी सुनने को मिलेगा, थोड़ा पेशेंस रखो तो काम पुरुषार्थ भी सुनने को मिलेगा। द्वाद शास्त्र में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो छूट गया हो, गृहस्थी का ज्ञान भी हमारे शास्त्रों में है। कौन कहता है कि नहीं है? गृहस्थी कैसे चलाना चाहिए, गृहस्थी में कैसे हमारे लिए धर्म पूर्वक गृहस्थी को निभाना चाहिए, इस बात का उल्लेख भी हमारे शास्त्रों में है, किंतु हमारे पास पेशेंस नहीं है। क्या नहीं है? पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, इसलिए हम धर्म की बात सुन नहीं पाते और उठ करके चले जाते। धर्म से ही बंधुओं थोड़ा यदि एकाग्रता का परिचय दोगे, थोड़ा यदि श्रद्धा का परिचय दोगे, तो जैन धर्म ज्यादा कठिन नहीं है। आया ना सबको नमोकार मंत्र का अर्थ समझ में? आया कि नहीं बताइए? कुछ कठिनाई आपको महसूस हुई? मैंने पहले ही दिन कहा था कि वक्ता यदि सही है और श्रोताओं का लेवल समझता है तो जैन धर्म समझने में बिल्कुल भी कठिनाई जाने वाली नहीं है। तो नमोकार मंत्र का अर्थ आज हमने पूर्ण किया, और अब इससे हमारे लिए महिमा तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? नमोकार की महिमा तक। कि क्यों इतना शक्ति संपन्न ये नमोकार मंत्र है? क्यों?
जो स्तर हमारे आचार्यों का था, जो स्तर हमारे महापुरुषों का था,
रक्षा करेगा। जैसे कड़ी धूप में हम छतरी लेकर के चलते हैं तो छाते से धूप की सुरक्षा होती है, धूप से सुरक्षा होती है, उसी प्रकार नमोकार से कष्टों से सुरक्षा होती है। वो तुम्हारे इर्द गिर्द कष्टों को आने ही नहीं देगा यदि तुम नमोकार का कवच ओढ़ लोगे, पहन लोगे। जैसे कोई युद्ध भूमि में जाता है तो कवच पहन के जाता है तो उसको शत्रुओं के प्रहार लगते नहीं है। इसी प्रकार नमोकार का कवच कर लो, जीवन को नमोकार मय बना लो। एक वज्र पंजर नाम का स्तोत्र है, उसमें भी पांच परमेश्वरियों के नाम से एक कवच पहनने की कलाएं सिखाई गई हैं। नमोकार ही बोलो और अपने शरीर पे हाथ घुमाओ, वो कवच का काम करेगा और तुम्हारे लिए कोई बीमारी नहीं छुएगी, तुम्हारे लिए कोई कष्ट नहीं छुएगा। इसके अलावा जो फायदे हैं वो ये कि जो मन में सोच करके जा रहे हो वो कार्य तुम्हारा सफल हो ही जाएगा, क्योंकि इसका एक नाम अपराजित मंत्र है। कौन सा नाम है? अपराजित मंत्र है। जो नमोकार का सहारा लेगा, नमोकार का स्मरण करेगा, वो कभी पराजित हो ही नहीं सकता है। हर क्षेत्र में उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपके लिए केवल भावों को जगाना है, श्रद्धा को जगाना है, दुनिया के किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं। जहां नमोकार है वहां 84 लाख मंत्र अपना काम करते हैं। कितने मंत्र? 84 लाख मंत्र तुम्हारे फेवर में हो जाते हैं। केवल एक नमोकार के प्रभाव से सारे रास्ते तुम्हारे साफ सुथरे हो जाएंगे, सारे कार्यों में तुम्हारे लिए सिद्धि प्राप्त होगी, हर क्षेत्र में तुम उन्नति कर सकते हो। बस एक विश्वास का भाव लेकर के चले। और भी अनेक बातें हैं, आने वाले दिनों में हम आपके लिए वो बताएंगे कि और भी क्या क्या संदेश नमोकार से मिल रहे हैं। एक दार्शनिक पक्ष है जैन फिलोसॉफी। अभी तक हमने सिद्धांत बताया, न्याय बताया, कल हम आपको बताएंगे जैन फिलोसॉफी जो नमोकार मंत्र से सीखने को मिलती है। एक मिथ्या मान्यता जो हमारे बच्चों के दिमाग में घर कर रही है, जो हमारे बच्चों के दिमाग में घर कर रही है कि ये विश्व किसी गॉड ने बनाया हुआ है। दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय गॉड एंड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय गॉड। डिस्ट्रॉयड बाय मतलब ये जो संसार है ये किसी ईश्वर की देन है, इस सृष्टि को किसी ईश्वर ने रचा है और एक दिन वही ईश्वर इस सृष्टि का नाश करेगा। ये एक मिथ्या मान्यता जो हमारे दिमाग में है। ये मिथ्या मान्यता भी नमोकार महामंत्र के सहारे कैसे हट जाती है, नमोकार को समझने वाला इस बात को भी समझ लेता है। दो मिथ्या मत है, एक ईश्वरवाद और एक ईश्वर अवतारवाद। कौन सा वाद? ईश्वरवाद और ईश्वर अवतारवाद। ये दोनों मिथ्या मतों का खंडन नमोकार मंत्र से कैसे होता है वो आपके लिए हम कल बताएंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर की जय।